प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 से 3 रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतनी सारी रेसिपी एक साथ कैसे बना रही हूँ, तो मैं आज बता दूँ आपको, आज जो है मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो मैं जो है मम्मी के घर पे आई हूँ, तो उनकी फरमाइश थी कि आज जो भी खाना बनेगा वो सारा मैं ही बनाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 6 से 7 गोभी के फूल, जिनका डंठल जो है ना हमने पहले ही हटा दिया था, मम्मी ने साफ करके रख दी थी कि ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कट करने में। और 6 से 7 मोटे आलू, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो गोभी है उनको छोटा छोटा कट कर लूंगी। तो यहाँ पे जो है ना हम इसी तरह से सभी गोभियों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी गोभियों को कट कर लिया है। इसके बाद जो है मैं आलू छीलना स्टार्ट करूंगी और फिर जो अपनी सभी सब्जियों को है वॉश करेंगे गर्म पानी में। यहाँ पे जो है ना मैं आलू भी छीलना स्टार्ट कर दूंगी। आलू भी छीलने शुरू कर दिए है, तो सबसे पहले जो है ना मैं आलू गोभी की सब्जी रेडी करूंगी। उसके बाद हम बनाएंगे आलू की सब्जी और बथुए का रायता और पूरी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आलू छील लेती हूँ। तो इधर जो है हमने सभी आलू को छील लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक लिया है, सबसे पहले मैं ये साफ कर लेती हूँ टमाटरों को। फिर हम सभी सब्जियों को वॉश करेंगे। इधर जो है ना मैं अदरक को भी छील लेती हूँ। इसके बाद जो है ना हम अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज के खाने में हम है ना प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी
यूज नहीं करेंगे, हम बगैर लहसुन प्याज से ही सब्जियां बनाएंगे, उससे आपको ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यकीन मानिए। आप बस ट्राई करना एक बार मेरे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ गई है पीछे। तो फ्रेंड्स मैं अब क्या करती हूँ, इन सब्जियों को सबको वॉश कर लेती हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे किचन में वॉश करना है और किचन में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं पहले ही वॉश करके ले आती हूँ, उसके बाद हम जो है सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सभी सब्जियों को वॉश कर लिया है और गोभी को जो है मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। तो मैं सबसे पहले टमाटर कट कर लेती हूँ मोटा मोटा, ताकि जो इसमें है ना हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना सके। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना डेढ़ किलो करीब टमाटर लिया है। मैं जो ये टमाटर आलू गोभी की सब्जी में और आलू की सब्जी में दोनों में यूज करूंगी। तो इनका जो तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्ची कट कर लिए है। अब जो हम इनका एक पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में। तो यहाँ पे अब मैं आलू भी कट करके रख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो गोभी है वो भी वॉश हो गई है और मेरी सिस्टर रख के चली गई है। अब जो मैं सब्जी जो है ना बनाना स्टार्ट करूंगी बस पेस्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने अदरक हरी मिर्ची और टमाटर का जो है पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा भगोना लिया है, अब मैं इसमें सबसे पहले सरसों का तेल चढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैंने ना 4 से 5 बड़े चमचे सरसों का तेल चढ़ाया है। तो अभी जो है ना हम तेल गर्म होने तक वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम अपने मसाले डालना शुरू करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और धुआं निकलने लगा है। तो मैं सबसे पहले इसमें एक मुट्ठी जीरा डालूंगी और साथ में ही हम डालेंगे जो हमने टमाटर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया है वो। क्योंकि हम इसको आलू की सब्जी में भी यूज करेंगे, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अभी जो है ना हम सब्जी को चलाना शुरू करेंगे। तो अब जो है ना हम एक एक करके सभी मसाले सब्जी में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है, वो डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे।
लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी करीब 1 चम्मच, और सबसे मेन चीज है यहाँ पे हम यूज करेंगे किचन किंग मसाले का, तो मैं इधर 2 चम्मच करीब है ना इसमें किचन किंग मसाला डालूंगी। इससे क्या है ना हमारी सब्जी में जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आपकी जो सब्जी है एकदम ढाबे वाली तैयार होती है बनके। तो जो हमने मसाले डाले हैं उनको मिक्स करेंगे और अच्छे से पकने देंगे मसालों को। तो फ्रेंड्स अब मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच करीब हींग, यहाँ पे देखिए हमारे जो है मसाले पकना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मसाला है वो पक चुका है, इससे जो है ना ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मैंने जो सब्जियां कट करके रखी थी वो डालेंगे। मैं सबसे पहले इसमें आलू ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही जो हमने गोभी धो के रखी थी वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे अब है ना अब गोभी भी डाल देंगे। मैंने सभी गोभी को डाल दिया है, अब तो गोभी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है ना मैंने सब्जियों को मिक्स कर लिया, अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि इसका भी पानी ठंडा हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे भाई का बेटा है,
ये भी मेरे पास आ गया सब्जी बनवाने के लिए। शिबू चलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। देखो हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। मम्मा के पास जाएगा, जाओ जाओ खेल। बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम जो है ना अभी रायता बनाना शुरू करेंगे बथुए का। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो दही ली है। सबसे पहले मैं उसको अच्छे से फेंट लूंगी और यहाँ पे साथ में ही मैंने है ना जीरा चढ़ा दिया है भूनने के लिए, रायते में डालने के लिए। अभी मैं जो है ना पानी ऐड कर दूंगी इसमें 2 से 3 गिलास। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा चीरा भी भून के रेडी हो चुका है। मैं गैस फ्लेम को जो है बंद कर देती हूँ और जीरे को यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना बथुआ अच्छे से उबाल के पीस लिया है मिक्सर में, तो वो डाल दूंगी। इधर और पानी ऐड कर दूंगी। अभी जो है ना हम बथुए के रायते में काला नमक ऐड करेंगे। तो ये नमक देखिए फ्रेंड्स, कलर देखिए इसका बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि ये हमारे घर का पिसा हुआ नमक है। इसे है ना मम्मी घर में पीसती है लाके। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। और नमक को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इधर मैं 1 चम्मच करीब चाट मसाला डाल दूंगी। तो इधर जो हमने जीरा भुना था वो भी मैं पीस लूंगी रायते में डालने के लिए। आज फ्रेंड्स आपको वीडियो में बहुत शोर शराबा आएगा, क्योंकि हमारे घर में ना बच्चे आए हुए हैं, सिस्टर के भी और भाई के भी, जो कि मिलके ना सभी बहुत शोर करते हैं। तो इधर देखो मैंने जो है ना चीरा पीस लिया है, मैं वो रायते में डाल दूंगी और इसको जो है फिर से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो है ना मेरा रायता बहुत गाढ़ा है, तो इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ मैं। तो इधर जो है ना हमारा रायता बनके एकदम रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा रायता बथुए का रेडी हो चुका है। अब मैं जो है ना इसको ढक के एक साइड में रख देती हूँ। अब हम अपनी आलू गोभी की सब्जी जो है चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ना ये रायता है
बगैर मिर्ची का बनाया था, तो मम्मी कह रही कि इसमें मिर्ची भी जरूर डालना है। आप जो है ना, आपके लिए ऑप्शनल है मिर्ची डाले या ना डाले। तो मैं इसमें ना अभी लाल मिर्ची डाल रही हूँ 1 चम्मच। ज्यादा मिर्ची यूज नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मांगते हैं तो फिर वो पी नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ी मिर्ची डाल रही हूँ। और पीछे से मेरी मम्मी हंस रही है मुझे देख के, इसलिए भी नहीं रहा है कि मैंने लाल मिर्ची का यूज किया है। देखिए जो है ना, मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ, हमारी सब्जी बन रही है तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ हम आटा ही लगा ले, टाइम ना बर्बाद करते हुए। अरे तूने क्या कर रखे, मुंह रखे। यहाँ पे जो है ना मेरा आटा भी गूंथ के रेडी होने वाला है। अब मैं जो है आटे के रख दूंगी साइड पे, और उसके बाद हम जो है उबले हुए आलू की सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो अभी जो है ना मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब हम आलू की सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चमचे करीब सरसों का तेल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सरसों का तेल है वो एकदम गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और जो हमने सेम जो गोभी में डाला था, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, वो ऐड करेंगे। अब तो एक एक करके सभी मसाले हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच करीब MDH गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हींग 2 चुटकी, और मसालों को जो है ना इसे मिक्स करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे किचन किंग मसाला करीब 1 चम्मच, और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले डालने के बाद कलर कितना अच्छा आ चुका है। और यहाँ पे जो है ना, मैं एक बार अपनी जो आलू गोभी की सब्जी है वो भी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी आलू गोभी की सब्जी है वो पकना शुरू हो चुकी है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब मैं फिर से है ना सब्जी को जो है ढक देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मसाले वो अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं जो है ना जो आलू हमने उबाल के रखे थे वो डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। यहाँ पे जो है ना मैंने सभी आलूओं को जो है ना तोड़ लिया है। जय राम जी की हो रही है, बड़ा
तो यहाँ पे जो है ना मैंने मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं जो है ना पानी ऐड कर दूंगी। ये पानी हमारे जो टमाटर की प्योरी थी वो वाला मैं डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी आलू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और हमारी आलू गोभी की सब्जी को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और आलू की थोड़ी कम थी, इसलिए वो जल्दी बन गई है। तो मैं इसको जो है ना अभी अंदर रसोई में रखवा देती हूँ और आपको ये भी दिखा देती हूँ हमारी जो आलू गोभी की सब्जी है वो कैसी हुई है अभी। तो ये देखिए अभी हमारी सब्जी जो अभी पकी रही है, थोड़ी सी कच्ची है, 10-15 मिनट में हमारी जो गोभी की सब्जी है वो भी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब है ना हम अपनी जो है गोभी की सब्जी एक बार चेक कर लेते हैं। सारे भाई ये देखिए हमारी जो गोभी की सब्जी है वो बन के रेडी है। ये देखिए जो आलू है वो अच्छे से गल चुका है, गोभी भी गल चुकी है। तो मैं क्या करूंगी जो गैस फ्लेम है उसको बंद कर देती हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आलू गोभी की सब्जी बनके रेडी है एकदम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारी दोनों सब्जियां रेडी हो चुकी है, रायता रेडी हो चुका है, बस पूरिया बनना बाकी है, वो भी अब थोड़ी देर में बनाना शुरू करेंगे। तो मैं जो है ना आटे को भी ढक के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है हमारी पूरिया बननी शुरू हो चुकी है चूल्हे पर और मम्मी और मेरी बेटी हमारी हेल्प कर रही है पूरी बिलवाने में। उसका हलवा तो करवा दे। तो फ्रेंड्स देखिए पीछे हमारी जो बड़ी मम्मी है वो हलवा बना रही है। तो ये देखिए हमारी जो पूरियां है वो भी सीख चुकी है, मैं निकाल लेती हूँ। अब एक एक करके हम सबको खिलाना शुरू करेंगे। चूल्हे पे है ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी पूरियां सीख जाती है, इतनी जल्दी है ना गैस पे नहीं सीख पाती, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम चूल्हे पे पूरियां बनाएं। और मजा भी बहुत आता है चूल्हे पे खाना बनाते हुए। तो फ्रेंड्स आइए पूछ लेते हैं सबको खाना कैसा लगा। तो सबसे पहले हम पापा से पूछते हैं, पापा खाना कैसा लगा? एक नंबर का लगा पापा को, मजेदार। तो आइए अब अंदर बच्चों से भी पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनको खाना कैसा लगा। बहुत अच्छा, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी और सिस्टर खाना खा रही है, कैसा लगा आप लोगों को खाना? सबको बहुत टेस्टी मिला। अब मैं आपको मिलाती हूँ बर्थडे गर्ल से। तो ये रही आज की बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए यहाँ पे मेरी सिस्टर्स भी खाना खा रही है, दोनों मजे ले रही है खाने के। बताओ कैसा लगा खाना? यम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी है। अगर आपको भी खाना है तो प्लीज आ जाओ हमारे घर। आप कटिंग हो रही है, आपको
बहुत शोर आ रहा होगा, मेरी आवाज क्या सुनाई नहीं देगी। आयुषी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विनांस। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ही हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।